मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और प्यारा सा आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के अभी 4:40 हो रहे थे और देखिए अभी भी थोड़ा बहुत अंधेरा है। अब उजाले की किरण आ गई है, यानी स्काई कलर का ना आसमान दिखने लगता है। तो बेटी का आज स्कूल जाएगी क्योंकि आज समर की छुट्टी उसकी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे कल ही स्कूल खुल गई थी, कल नहीं गई थी, आज वो जाएगी। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और उठते के साथ अपने काम पे लग गई हूँ। यानी ना जो है ना सुबह की झाड़ू होती है ना, डिप तो देती नहीं हूँ क्योंकि सभी लोग सोए हुए रहते हैं और फैन को मैं पूरी तरह से ऑफ नहीं करती हूँ क्योंकि गर्मी है। और इसीलिए ना मैं जो होती है ना सुबह की जो बासी झाड़ू होती है ना, वो वाली फॉर्मेलिटी जरूर निभा लेती हूँ क्योंकि सूर्योदय से पहले ही ये झाड़ू जरूर एक बार ना सुबह घर पूरे घर में लगा के मतलब घर से बाहर की ओर ले जाती हूँ। उसके बाद दिन भर जितना भी क्लीनिंग करना हो ना आराम से कर लेती हूँ। तो ये सुबह के काम होते हैं ना झाड़ू से ही स्टार्ट हो जाती है और ना आँख खुलते ही अपने कामों में लग जाती हूँ। यानी मॉर्निंग के उठते ही फुल एनर्जी के साथ अपने कामों में अपनी कामों की स्टार्टिंग करती हूँ सुबह से ही। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग का समय है और यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना एक थोड़ी सी दूर में ना एक अड़हुल का फूल है, तो मैं वहाँ से कुछ फूल लेके आ जाऊँगी। और यहाँ पे ना मैंने जो झाड़ू लगाया था वो कचड़े को मैंने फेंक दिया है। और नीला नीला आसमान, यानी ना इस सुबह का टाइम का ना अनुभव काफ़ी प्यारा होता है। तो बस मैंने फूल भी तोड़ दिए हैं और आ गई हूँ छत, फ्रेश हो गई हूँ और चलूँगी किचन, क्योंकि किचन का काम बिना फ्रेश किए ही मेरा नहीं होता है। तथा सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे 5 राउंड मार लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो मौसम अभी थोड़ा सा ठंडा किया है लेकिन पानी की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ना यहाँ पे जो रूम रेंट रहते हैं ना वो लोग ना यहीं पे सोते हैं छत पे ही, तो उन्हीं लोग है कुर्सी उर्सी है और वो लोग अभी जस्ट उठ के ही गए हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा राउंड मार लेती हूँ और चलती हूँ किचन की ओर। तो किचन आते ही ना मैं यहाँ पे नाइट को ही मैंने ये करके रखा था यहाँ के, मैं ना आज इडली बना रही हूँ लेकिन मैं हमेशा अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। इस बार मैंने चावल से और सूजी को ना फूलने के लिए दे दिया था, मैं बिना दाल और बिना दही का ही मैं यहाँ पर इडली बना रही हूँ। और ये मेरी भाभी बनाई थी ना, काफ़ी सॉफ्ट सी बनी थी, तो मैंने भी ट्राई किया है। और मैं चाहती हूँ कभी कभी अलग सा बनाऊँ क्योंकि कभी भी दाल ना रहे, दही ना रहे, तो ये सब बन जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा इनो डाला है और बस बैटर में यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था, नमक डाली है और बस मैं इडली के बैटर को डाल रही हूँ क्योंकि आज उसका समर का फर्स्ट डे है, मतलब समर की छुट्टी खत्म हुई ना तो आज उसका फर्स्ट डे है। तो मैंने सोचा कि उसकी जो बच्चों लोग की जो फेवरेट है ना वही बना देती हूँ और ये दोनों बच्चों का फेवरेट है तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ। और बेटे का स्कूल ना वो आज नहीं जाएगा तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे ही मैं इडली बनाना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें टाइम सेट होती है ना, तो ये आराम से ये ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट का देख सकते हैं इडली बनने के लिए हो गया था। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका था, बेटी को कर रही थी बाल में यहाँ पे कंघी, तो इसकी गाड़ी आ चुकी है क्योंकि फ़ोन की घंटी भी बज गई है। तो बस जस्ट ये निकलेगी और मेरा सारा काम भी हो गया था किचन वाला, तो यहाँ पर बेटी निकल गई है। काफ़ी सॉफ्ट और हेल्दी इडलियाँ बनती है क्योंकि दाल मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे ना बस चावल, जो नॉर्मल सी चावल और सूजी को मैंने भिगो के रख दिया था और इडली रेडी की थी। तो यहाँ पे मैंने ना किचन का तो काम हो गया था, बस ब्रेकफास्ट तो बन चुकी थी लेकिन ये बर्तनों की ढेर पड़ी थी, तो करती हूँ इन बर्तनों को वाश फटाफट से। और जो भी है ना मैंने जूठे बर्तनों को आगे धो लिया था और इडली स्टैंड और मिक्सर के जो भी है ना तो कटोरी मैंने सभी को धो डाली है। और यहाँ पे डब्बे भी, मेरे एक डब्बा खाली भी हो चुका था, तो लगे हाथ इनके कामों को आसान कर लेती हूँ क्योंकि जैसे जैसे वो ख़त्म होती है ना सामान, तो ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे मैं धो के अच्छा से सुखा भी लेती हूँ, तो मेरा काम इसी सा हो जाता है। तो अपने कामों को बोझ नहीं समझती हूँ, अपने काम को आराम से इत्मीनान से करती हूँ तो आसान सा फील होता है। तो यहाँ पर ना मेरा किचन का जो क्लीनिंग हो ना वो तो मेरी हो गई है, चलती हूँ अपने घर की सफाई करने के लिए। तो ये मेरा है ना
बच्चों लोग का जो बुक स्टैंड है तो यहीं पे रखते हैं, और दोनों बच्चे अब साथ में ही रखते हैं क्योंकि बेटी को अब भैया की जगह पे ही रखना अच्छा लगता है, तो वो दोनों इसी में रखते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े से जो भी हल्के फुल्के जो मॉर्निंग की होती है ना, ये सब मैं डस्ट हल्का हल्का जो होते हैं ना वो झाड़ लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में, समर के दिनों में ना गंदे तो उड़ते ही हैं, तो इन चीज़ों को ना रेगुलरली साफ कर लेती हूँ। तो मेरा एक कमरे वाला घर यानी एक रूम वाला घर मेरा हमेशा इसीलिए क्लीन और नेट ऑन क्लीन भी रहता है। तो मैंने यहाँ पे बेड को भी सेट कर लिया था, और यहाँ पे बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गया वो भी मैं बताती हूँ। तो इसकी आँख में ना प्रॉब्लम हुई है, तो इसीलिए ना इसको थोड़ा सा फुंसी भी हुआ था आँख में, और इसको दिखाना भी है आई डॉक्टर को, आँख वाले डॉक्टर को, तो इनके पापा लेके जाएंगे, तो इसीलिए ना वो घर पे है, कल से वो भी स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे वो बैठा, वो अपने किचन में कुछ कर रहा था क्योंकि उसको इडली खानी थी, तो वो अपना ले रहा था, और यहाँ पे मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे जो शीशे हैं ना उसको भी मैं क्लीनिंग कर देती, क्योंकि ये सब मेरा रोज़ का काम है और तभी मेरा घर साफ सुथरा और स्वच्छ सा रहता है। तो ये सब रोज़ करो ना तो हमारा घर क्लीन ही रहती है। तो मेरा एक कमरे वाला घर को मैं ऐसे ही क्लीन रखती हूँ, रेगुलरली मैं इन चीज़ों को ध्यान रखती हूँ, तो मेरा साफ़ सुथरा रहता है। और मैं नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ, तो ये मेरी टेस्टी टेस्टी इडली वाली रेडी हो गई है। तो यहाँ पे शाम का समय है दोस्तों, लग रही है कि कितनी आंधी तूफान और अच्छे से पानी गिरेगी, लेकिन आते आते वो चली भी गई, तो ख़राब भी लग रहा था क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा कर दिया था कि पानी गिरेगा, लेकिन ना इतना काला घनघोर किया था लेकिन ना वो चली गई, तो अजीब सा फील हो रहा था। क्योंकि बोलते हैं ना जो बरसते हैं ना वो गरजते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो वही कुछ ऐसा ही हाल आज का हुआ, पानी आते आते चली गई। तो चलिए दोस्तों, मौसम तो ठंडा सा कर दिया था, और यहाँ पे ना बच्चे लोग ना आज लंच नहीं किए थे, मतलब बेटी तो आके जल्दी सो गई थी क्योंकि स्कूल से आई थी, और जो सुबह के जो खाना था ना वो खा के सो गई थी, तो लंच रह गया था, तो वो अभी लंच में चावल नहीं खाएगी। तो अभी शाम के 5 बज रहे थे और इसको खाना था, तो मैंने चोखा बनाया था, वही चोखा को मैं इसको ना रोटी में लगा के डाल देती हूँ और सॉस डाल देती हूँ ना टोमेटो केचप, तो वो आराम से खा रही थी, उसको इस तरह का खाना पसंद आता है। और बेटा अभी चावल खाया है, तो दोनों बच्चे सो के उठे थे और वो लोग खा रहे थे, तो मैं इन लोग को खाना दे रही हूँ, तो बेटा खा के निकल गया था। और यहाँ पे देखिए गर्मी के कारण ना ये कपड़े भी नहीं पहनती है, तो इग्नोर कीजिएगा। और मैं आ गई थी छत, और घर के साथ साथ ना बाहर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, ताकि मेरा माइंड भी फ्रेश रहे और आलतू फालतू के कामों में मेरा दिमाग व्यस्त ना हो, तो मतलब उलझन ना हो, इसीलिए ना मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ और हमेशा खुश रखना चाहती हूँ, यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी छत, और यहाँ पे ना जो भिंडी में बीज लाई थी ना मैके से, वो इनके पापा लगा दिए थे, काफ़ी अच्छे से निकल आए थे, तो उसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी को ढीली कर रही थी, क्योंकि मट्टी थोड़ा वो ढीले ना करो ना तो उसमें ना वो अच्छे से मतलब ग्रो नहीं करती है। और मैं यहाँ पे चाय पत्ती जो होती है ना, जो मैं रेगुलरली चाय बनाती हूँ, उसको अच्छे से वाश करके मैं धो के सूखने के लिए दे देती हूँ, और ये प्लांट में डाल देती हूँ क्योंकि वो काम आ जाता है खाद में। तो हमें ना प्लांट में चाय पत्ती यदि हो ना तो इसे ज़रूर डाला करें, इससे ना पौधों में काफ़ी अच्छा सा ग्रो आ जाता है, हम अपने प्लांट की अपने घरों की चीज़ों से केयर कर सकते हैं, जैसे जो छिलके होते हैं ना वो भी डाल दो ना तो काफ़ी अच्छे से खाद बन जाते हैं। तो ये छोटे मोटे काम मेरे बाहर के होते हैं, और बस नीचे आते ही यहाँ पे इनके पापा चाय बनाए थे, तो बस वो चाय रेडी कर दिए थे, तो मैं और उनके पापा चाय ले रहे हैं, तो हम दोनों की चाय निकल आए हैं। बच्चे लोग अभी तो खाना खाएं इसलिए वो लोग चाय वाय कुछ नहीं पियेंगे और ना पीते हैं, तो बस मैंने यहाँ पे चाय पीने के बाद यहाँ पे मेरे जो ये काम थे ना, जो इनके धोए हुए कपड़े थे काफ़ी दिनों से थे, तो इनको मैं प्रेस कर दे रही थी, और कुछ उन्होंने भी किया था, तो मैं यहाँ पे ये सब हो गई हैं, ये साइड मैंने कर दिया था। बच्चों लोग की पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ डिनर के रेडी करने के लिए। तो आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, सब्ज़ी नहीं थी, तो आलू मैंने यहाँ पे आलू भून लिया सिंपल सा बनाने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि ना ये गर्मा गर्म रोटी के साथ खाना काफ़ी अच्छा सा लगता है और इजी भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से आयरन वाली कढ़ाई में आलू की भुजिया बना रही हूँ, इसे लॉन्ग टाइप का कट करके हम लोग भुजिया सिंपल तरीके से बनाते हैं, नमक हल्दी और हल्का सा
मिर्च पाउडर डाल दो तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मैं मिर्च पाउडर नहीं डालती, हल्के से कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ कलर के लिए। तो यहाँ पे मेरे देख सकते हो मेरी आलू भुजिया हो गई है। तो मेरी सुबह से 4:30 बजे से लेकर ना 10 बजे तक काम ऐसा ही चलता है, और अपने आप को मैं बिजी रखती हूँ अपने घर में और अपने घर के कामों के में। तो यहाँ पर मेरी भुजिया भी हो गई है गर्मा गर्म, मैंने रोटियाँ भी सेक ली हूँ। तो यहाँ पर डिनर की थाली मैंने रेडी कर दी है, जिनके पापा को मैं लगा दे रही हूँ, और बस ये लोग भी जो खाएंगे हल्का फुल्का तो उनको भी दे दूँगी। तो दिन की कद्दू थी। तो ये रही डिनर की थाली। और दोस्तों मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती हो ना तो लाइक शेयर और जाने से पहले कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।